नमस्कार, स्टेट टाइम्स की टॉप 10 न्यूज में आप सबका स्वागत है। अभी तक की बड़ी खबरें इस प्रकार हैं। एलओसी से आई ग्राउंड रिपोर्ट के अनुसार सीमा पार से घुसपैठ की फिराक में 300 आतंकी, मस्जिद सेक्टर पर आतंकियों की रहती है नजर। एनआईए ने जम्मू के कठुआ जिले समेत कश्मीर में भी कई जगहों पर की छापेमारी। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर तीसरे दिन भी बंद रहा यातायात, 1300 वाहन अभी भी फंसे। राष्ट्रपति पद के लिए आज नामांकन पत्र भरेंगी द्रौपदी मुर्मू, पीएम मोदी समेत भाजपा के कई नेता रहेंगे मौजूद। बाबा बर्फानी के लिए श्रीनगर से हवाई सेवा में दिखा जबरदस्त रुझान, 40,000 यात्री बुक करवा चुके हैं टिकट। अमरनाथ यात्रा को लेकर सुरक्षा हुई कड़ी, कल से चंदनबाड़ी और बेताब घाटी में नहीं घूम सकेंगे पर्यटक। बीआरओ कैफे से दुर्गम इलाकों में पर्यटकों की राह होगी आसान, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में खुलेंगे 26 कैफे। भारत से रूस का तेल आयात 50 गुना बढ़ा, देश के कुल तेल आयात में मॉस्को की हिस्सेदारी बढ़कर 10% तक पहुंची। देश में कोरोना की रफ्तार हुई और तेज, बीते 24 घंटों में 17,000 से ज्यादा मामले, एक्टिव केस भी बढ़े। तो ये थी अभी तक की कुछ बड़ी खबरें, और खबरों के लिए देखते रहें स्टेट टाइम्स।